शब जुम एक ऐसी रात है कि जिस रात को आदमी को मौत को याद करने का हुक्म दिया गया फिर वो जुमला बार बार मुझे दोहराना पड़ेगा ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत फहमी न हो कि इसका मतलब ये नहीं है कि हफ्ते के छह दिन आप बिल्कुल मौत को याद ना करें मौत को हर वक्त मोमिन याद रखता है और उस याद दिलाने के तरीके भी फिर इस्लाम ने ऐसे आ, शामिल कर दिए हैं हमारी जिंदगी में भाई ये जो कहा गया ना कि अपनी जिंदगी में अपनी कब्र तैयार कर लो उसका मतलब यही है कि मौत याद कराई जाए और फिर साथ में ये कि का खुम्स है कि नहीं है आयतुल्लाह आयतल इस का इसमें एक नया फतवा तो आ गया है लेकिन वो मसला भी जब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे या अगर आप किसी और मुश्तद की तकलीद में हैं तो वो ख़मस की वजह से जब आप साल के आखिर में खमज का हिसाब लगाएंगे वहाँ भी ख़बर आ जाएगी आपके अकाउंट्स के अंदर और वैसे भी कब कफन क्योंकि आजकल बड़ी कसर तादाद में लोग जियारतों पे जाने लगे हैं और इस वक्त भी अरब का आगाज़ हुआ है यानी अरबइन के अशरे का तो आपके बहुत सारे जानने वाले यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया से कनेडा से अमेरिका से अरब की जियारत के लिए जा रहे होंगे और जियारत पर आदमी कभी भी जाए अरबइन हो कि अरबइन के अलावा हो कफन लेके जरूर आता अगर जे वो कफन लाने के बाद एक एतराज भी करता और ये पाकिस्तान में तो मैंने पाकिस्तान भी नहीं कहता कराची अब लाहौर में क्या होता है मुझे नहीं मालूम इस्लामाबाद में क्या होता है मुझे नहीं मालूम कराची में करबला से लाए हुए कफन पे बहुत एतराज़ भी होते और मुझे हर साल जियारत के काफिले में यह वजाहत करना पड़ती है कि जरा देखिए कितने तजुब की बात है कि जो कफन शरीयत की एहतियात का ख्याल करते हुए वहां बिक रहा उस पर हमारे लोग पाकिस्तान के अंदर बैठ के इतराज करते हैं ये चीजें जरा बात की ये आएंगी चीजें आगे चल के अपने वक्त पर आएंगी लेकिन खुलासा ये है कि कफन घर में रहे लेकर आओ लाने के बाद वो घर में भी रहे अब ये सारी चीजें वो हैं कि जो आपको मौत याद दिलाना है वो ये नहीं है शब जुमा अपनी अलमारी को खोल कर कफन को झाड़ पहुँच के निकालो नहीं हर वक्त सामने रहे जहाँ पे आपके दूसरे कपड़े हैं ताकि मौत याद रहे कफन आज का मौजू नहीं है कबर आज का मौजू नहीं है आज का मौजू यह है कि मोमिन को हर वक्त अपनी मौत को याद रखना है लेकिन शब जुमा तो ज्यादा याद करना और यहाँ भी एक लफ्ज में गलत बता गया जान कर मैंने कहा कि मोमिन को हर वक्त अपनी मौत को याद रखना अपनी नहीं मौत को याद रखना अपनी भी और जो आपके मरहूमिन दुनिया से चले गए हैं आज भी कितनी ही ऐसी नेक बच्चियां होंगी जो नमाज मगफरत वालदे नम, मग़रब और ईशा के साथ पढ़ के इमाम बाड़े में आई होंगी या जो नहीं भी आई अपने घरों में आज भी कितने ऐसे नेक बच्चे होंगे जिन्होंने शब जुमा का ख्याल करते हुए नमाज मगफरत वालदेन पढ़ी होगी लेकिन ये पैगाम खाली वालदेन की हद तक नहीं मौत चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हर शब जुमा इसको याद रखना है बार बार मैं जुमला नहीं दोहराना चाहता लेकिन जब मैं ये जुमला कहूँ तो आप खुद ही समझ जाइए कि इसका मतलब यह है कि याद तो बाकी छः दिनों में भी रखना लेकिन आज ज्यादा ख़ास एहतमाम के साथ जैसे पहले होता था और अभी भी कहीं कहीं मैंने देखा कि शब जुमा नमाज मग़रब और ईशा के फ़ौर बाद कोई ना कोई खाना या कोई ना कोई चीज मरने वाले के लिए फातिहा पढ़वाई गई लेकिन वो आधी जिम्मेदारी अपने लिए भी अपने लिए भी अपनी मौत को भी याद करना है लेकिन जितना है वो भी गनीमत है नंबर एक नंबर दो शबे जुमा वो है कि जिसमें दुआ यही वजह है कि हमारे यहाँ इस गई गुजरी हालत में भी आम दिनों के मुकाबले में शब जुमा दुआएं ज्यादा होती हैं और कुछ ना सही तो दुआ को मैल आदमी पढ़ ही लेता है और कुछ ना सही तो जियारत वारिसा मोमिन आज शब जुमा पढ़ता और मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले या शायद 16 साल पहले इमाम बारगाह अली रजा में, में मेरा पूरा अशरा सिर्फ जियारत वारिसा पे था और उसमें मैंने अर्ज किया था कि जियारत वारिस जो है दुआ है इसमें तीन पहलू हैं बज़ाहिर अरबी के चंद जुमले हैं लेकिन ये हमारा सलाम भी है जियारत वारसा पैगाम भी है हम सलाम इमाम को कर रहे हैं मैसेज और पैगाम हमारे लिए आ रहा कल्ब कुम सन व अमरील अमर कुमे खाली ये जुमला नहीं तो पूरी जियारत ही। कद अकम है अच्छा जन्ना काम तलाद पैगाम है कि नहीं वह आताई तक़़त पैगाम है कि नहीं व अमर तबिलू पैग़ाम है कि नहीं व नाहे तो अनिल मुनकर एक मैसेज है कि नहीं वह अल्लाह अल्लाह की तात में पैगाम है कि नहीं और फिर यह कि अमरी अमरे कुल मुतबे मौला मेरी जिंदगी का हर अमल आपके अमल के मुताबिक मैं वही कर रहा हूँ जो आप करते हैं ये पैगाम है कि नहीं भाई तुम्हारे घर में म्यूजिक चल रही हो गाने बजाए जा रहे हैं और कह रहे हो कि मौला मैं वो कर रहा हूँ जो आप करते हैं अब यह हमारे लिए पैगाम है कि सोचो क्या कर रहे हो दाड़ियाँ शेव की जा रही हैं, बेहिजाबी इख्तियार की जा रही है मिक्स गैदरिंग की जा रही है हराम खाया जा रहा है दूसरों का हक मारा जा रहा है मौला मैं तो वो कर रहा हूँ जो आप करते हैं ये जुमला भी आपको याद होगा ना बलागा में जो खुतबा है अलाय हारिसी और उसके भाई का बहुत छोटा सा खुतबा है और ये भी हमारे जो असल मौजू है उसकी तमहिद बनेगा लेकिन उसका एक जुमला कि जब मौला ने जाके उसे डांटा कि तुम क्या कर रहे हो इस तरह जिंदगी गुजारी जाती का मौला तो मैं तो वो कर रहा हूं जो आप कर रहे हैं और वो इस बात में सच्चा था याद कीजिए ना वो बहुत मशहूर खुतबा अला हारसी और उसके भाई आसिम का फटे हुए कपड़े पहन लिए मौला आप भी तो ऐसे कपड़े पहनते हैं सूखी रोटी खाने लगा आप भी तो यही गजा खाते हैं घर छोड़ के दरख्त के नीचे रहने लगा मौला आपका टूटा हुआ घर है उसके बावजूद वो तो वाकान वही कर रहा है जो अली कर रहे थे उसके बावजूद मौला ने डांटा और हम तो जो कुछ कर रहे हैं अपने घरों में और फिर ये जुमला कहें कि आका हुसैन मैं तो वही कर रहा हूं जो आप करते हैं हम अपने मजलूम आका की क्या तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं अगर हमारे घरों में वो ना होता हो लेकिन बाद में इस पर बात होगी अभी तो मैं इसको यहां रोकता हूं कि जियारत वारिसा के जुमले ये सलाम नहीं है ये पैगाम है तो जियारत अपनी जगह पर सलाम भी है आका को और खुशकिस्मत लोगों को इब्राहिम की तरह जवाब भी मिलता है फिर एक पैगाम भी है अपने लिए और सबसे जो इसका अहम एक हिस्सा है वो ये कि दुआ भी है बेहतरीन रोजी और रिस्क के लिए दुआ जियारत वारिससा ही और क्योंकि मैं भी इस पर पढ़ता हूँ वमह भी पढ़ते रहते हैं मैं तो एक तालब इलम तो मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा जियारत वारिसा का जिक्र कहा गया कि इस गई गुजरी हालत में भी शब जुम्मा को लोग ज्यादा दुआएँ पढ़ते हैं या मांगते हैं तो ये तीसरा पैगाम भी लोगों के जहन में थोड़ा थोड़ा तो है कि आज की रात दुआ की रात अब इसका मतलब ये नहीं कि इतवार के दिन हमें कोई मसला पेश आया तो हमने कहा कि नहीं अभी ठहर जाओ इंतज़ार कर लो शब जुमा आ जाए दुआ तो शब जुमा है नहीं दुआ हर वक्त जहाँ प्रॉब्लम हो जहाँ परेशानी हो जहां मुसीबत हो वहाँ पर दुआ मांगना है लेकिन शब जुमा ज़्यादा